मलिक साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनाब चेयरमैन, बड़ा शुक्रिया जी। जनाब चेयरमैन, मैं हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, साहिवाल का, साहिवाल के जो वर्कर्स हैं, साहिवाल उस जो उनका एक बर्निंग इशू है, उसमें मैं आपकी और हाउस की तवज्जो चाहता हूं जनाब चेयरमैन, कि पैसे जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी का साहिवाल में हॉस्पिटल है जनाब चेयरमैन, और 53,000 से ज्यादा वर्कर्स वहां से इलाज मुआवजा की सहूलत ले रहे थे, और जनाब चेयरमैन बदकिस्मती है इस दौर में जो डिवीजनल साहिवाल जो कि डिवीजनल हेडक्वार्टर है जिसमें पाकपतन और ओकाड़ा जिला शामिल है जनाब चेयरमैन, तो इस 30 तारीख को जनाब चेयरमैन 30 अप्रैल को मेहरबानी अगर इस तीस आप इनको पहले समझाएं ना फिर बात करें सर जी, उनके मेहरबानी आपकी भी मेहरबानी सर। ये बड़ा अहम इशू है साहिवाल के अवाम का और वर्कर्स का सर, के जनाब इस 30 तारीख को उस जो जो इलाज मुआवजा जो सेहत एक बुनियादी जरूरत है हर इंसान की, और उन वर्कर्स को जो 53,000 से जायद वर्कर्स हैं उनका जो हॉस्पिटल था उसको रीडेजिग्नेट करके जनाब चेयरमैन डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया गया है, जो वहां पे इलाज मुआवजा हो रहा था वो सारी सहूलतें वापस ले ली गई। और जनाब चेयरमैन मुझे अगर ये कहने दें कि इस रियासत नबीना में हमसे और क्या क्या छीना जाएगा जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से जनाब चेयरमैन कि ये जनाब चेयरमैन इतना अहम मसला है और ये मेरा मेरी जात का नहीं ना आपकी जात का सर, ये वो गरीब गुरबा लोग हैं जो वर्कर्स हैं जो आपके लिए और हमारे लिए और इस सूबे के लिए मेहनत करते हैं, जरे मुबादला कमाते हैं जनाब चेयरमैन, तो आप मेहरबानी करें इसके लिए एक कमेटी के इसको सुपुर्द करें जी, और ताकि इसकी ये रिपोर्ट मंगवाए और उस वक्त तक ये महकमा उसको ये इसको रीडेजिग्नेट ना करे। थैंक यू वेरी मच लेबर मिनिस्टर।